तो मॉल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न जो कि मॉल स्टाइल बनाएंगे। मॉल में हम जाके खाते हैं स्वीट कॉर्न, वैसे ही स्वीट कॉर्न हम घर में बनाएंगे। चलिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेगा वो हम आपको दिखाते हैं। कप जो है स्वीट कॉर्न है उसको हम धो के इसमें रखे हैं गंजी में, और इसको कुकर में नमक डाल के थोड़ा सा उबालेंगे। आधी चम्मच हमें घी लगेगा, शुद्ध घी थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। टमाटर सॉस लगेगा थोड़ा सा, चिली सॉस थोड़ा सा लगेगा, सोया सॉस थोड़ा सा लगेगा, और थोड़ा सा व्हाइट विनेगर लगेगा, काली मिर्च एक चुटकी लगेगा, और नमक और काला नमक, इतना सामान लगेगा। और इसके बाद हम इसको अभी पहले बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम आपको बना के दिखाते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी हम डालें आधा कप, और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। हम ये तेल डालेंगे, गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे इसको छान के डालेंगे, काला नमक डालेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा सिक्की है, थोड़ा सा ये जी काली मिर्च पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, चाट मसाला सब में नमक मिला है तो मैं कम कम नमक डालूंगी, थोड़ा सा चुटकी नमक हम डालेंगे। अब हम आँच को बंद कर देंगे और अब हम डालेंगे थोड़ा सा, एक बूंद हम डालेंगे सोया सॉस डालेंगे, एक बूंद ही हम डालेंगे चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सब विनेगर डालेंगे, आधी चम्मच से कम विनेगर डालेंगे। अब मेरा ये बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा डालेंगे एक बूंद घी, शुद्ध घी है देखिए, बिल्कुल आधी चम्मच से कम इसमें हम डालेंगे। हम नहीं डाले हैं, हम शुद्ध घी का प्रयोग किए हैं। आप जैसा मैं बनाई उस तरीके से बनाइए, खाइए। आप मॉल का खाना, होटल का खाना भूल जाएंगे। ये बहुत बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बना है स्वीट कॉर्न। अब बनाइए, खाइए। और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले।